कि यूनिट भी फोर और चैप्टर भी फोर, नाम क्या है? सम्मिश्र अवकलन। चैप्टर का नाम क्या है? सम्मिश्र अवकलन, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। चलो बात करते हैं एक अवकलनीयता की, है ना। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी। अब एक बात बताओ बच्चों, ये पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है सिखाने वाली, कि जैसे कि एक वक्र है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक वक्र दिखाई दे रहा है। इस वक्र पर हम फिलहाल यहां खड़े हैं बिंदु P पर, और P पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? फंक्शन ऑफ Z। P पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? फंक्शन ऑफ Z। अब P से हम कहां पहुंच गए? बिंदु Q पर। फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? Z प्लस डेल्टा Z। अब एक बात बताओ यार, कि अगर P से Q पे जाओगे तो कुछ समय लगेगा कि नहीं? कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? और वो टाइम है डेल्टा T, अत्यल्प। ये बहुत डेल्टा T बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत कम समय में हम यहां पहुंच गए। ये तो काफी इतना सारा मैंने बना दिया, चित्र को बड़ा बना दिया, लेकिन अब सुनो, डेल्टा टी टाइम में हम वहां पहुंच गए। अब बात करते हैं फंक्शन एफ डैश जेड। ये रहा एफ डैश जेड। डैश का मतलब क्या हो गया? फलन का अवकलन करना है हमको। अवकलन कैसे करते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अवकलन की डेफिनेशन जानते हो आप सब बच्चे? अवकलन की डेफिनेशन क्या होती है? कि परिवर्तन, परिवर्तन कैसे निकालते हैं? बाद माइनस पहले। बाद बोल ले तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये जो डेरिवेटिव है, अवकलज कैसा हो? परिमित व अद्वितीय, ठीक। अगर ये अवकलज परिमित है, अवकलज कैसा है? परिमित है और अद्वितीय, तो हम कहेंगे कि वो जो एफ जेड है, तब एफ जेड अवकलनीय है। क्या है बच्चों? अवकलनीय। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो अगर परिमित है, अद्वितीय, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइनाइट है, और एग्जिस्ट भी कर रहा है, फाइनाइट भी है और यूनिकली एग्जिस्ट, क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट और यूनिकली अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा। कैसा होगा? डिफरेंशिएबल, ठीक। तो ये जो सम्मिश्र अवकल्य, हालांकि हमने बीएससी सेकेंड ईयर में भी पढ़ी थी ये टॉपिक की डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, एफ डे जेड का लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये जो डेरिवेटिव है परिमित होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, तब हम कहेंगे यार कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब बात करते हैं आगे कि यार अवकलनीयता हम किसी पॉइंट पर ज्ञात करें। अवकलनीयता कहाँ ज्ञात करें? किसी पॉइंट पर। यार हम किसी पॉइंट पर कैसे ज्ञात करें? तो देखो सुनो, बिंदु जेड बराबर जेड जीरो पर अवकलज। बिंदु जेड बराबर जेड जीरो पर अवकलज का फॉर्मूला क्या होगा? एफ डैश जेड जीरो लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। तो ये जो फॉर्मूला है,
कि बिंदु जेड बराबर जेड जीरो पर किसी फंक्शन का अवकलज, अवकलज एफ डे जेड जीरो लिमिट जेड माइनस जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। क्लियर बात? ये किसी भी बिंदु पर किसी भी फंक्शन एफ जेड का डेरिवेटिव है इस तरीके से। अब बात करें यार, यही मान लो आपने बिंदु लिया जेड जीरो, अगर आप मूल बिंदु लो, मूल बिंदु बोले तो ओरिजिन लो, तब मूल बिंदु पर भी देख लो, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु क्या होता है इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन को मत ओरिजिन लोगे तो जेड जीरो की जगह कितना रख देंगे हम जीरो, मूल बिंदु के लिए पुट कर दूं। अब सुनो, तो हम मूल बिंदु ले रहे हैं तो ये जो बिंदु है जेड जीरो इसको हम कितना कर देंगे जीरो कर देंगे, तो मूल बिंदु पर सूत्र क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ डे जीरो लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। ये जो फॉर्मूला आया है आपके पास ये आपको याद होना चाहिए सभी को। इस फॉर्मूले को हमसे कोई भी पूछ ले और आगे जितने भी एग्जाम्पल है ना, अभी मैं कम से कम 5 एग्जाम्पल कराऊंगा, जब 5 एग्जाम्पल कराऊंगा तो ये जो फॉर्मूला है मूल बिंदु पर डेरिवेटिव का ये हमारे काम आएगा। फलन दिया है जेड की पावर एन, ये एग्जाम्पल है आपका बुक का फर्स्ट, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर कौन सा है फर्स्ट। और सिंपल सा क्वेश्चन है कि फंक्शन दिया एफ जेड बराबर जेड की पावर एन, क्या ये फंक्शन अवकलनीय है। क्वेश्चन सुनो कि दिया गया फंक्शन अवकलनीय है या नहीं है, कि गिवन फंक्शन जो है कि इज डिफरेंशियबल और नॉट, कि ये डिफरेंशियबल है या नहीं। अब ध्यान दो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एफ डैश जेड, क्या पढ़ाया था मैंने, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। थोड़ा सा मैं एक बात बताऊंगा कि सर आपने भी थोड़ी देर पहले यहां डेल्टा जेड की जगह डेल्टा टी लिया था, तो मैंने टाइम लिया था, तो मैंने इस फॉर्मूला जो है टाइम के रेस्पेक्ट में लिख दिया था। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं लिखो तो डेल्टा जेड, कि हमने जो परिवर्तन किया वो परिवर्तन किसका किया, डेल्टा जेड का। देखो डिफरेंशिएशन करना है वो किसके रेस्पेक्ट करना है ये हम पे डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल ये हम जेड में परिवर्तन करेंगे तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डेल्टा जेड। अब ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूले में जो हम वैल्यू रख रहे हैं लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अपॉन में डेल्टा जेड, अब ध्यान दो इसको, ध्यान दो फंक्शन ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड, देखा दो फंक्शन ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड। अब ये रहा फंक्शन ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है, देखो जेड की यहाँ फंक्शन ऑफ जेड जेड जेड, तो बेटा हम जेड की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड प्लस डेल्टा जेड की होल पावर एन, और उसकी वैल्यू कितनी है जेड। अब बात करते हैं कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अपॉन में डेल्टा जेड, यस इससे द्विपद प्रसार जानते हो, ये इसका द्विपद प्रसार करेंगे जेड की पावर एन एन सी वन जेड की पावर एन माइनस वन डेल्टा जेड प्लस एन सी टू जेड की पावर एन माइनस टू डेल्टा जेड का होल स्क्वायर प्लस डेड माइनस जेड की पावर एन।
क्या कुछ कुछ कैंसिल हो रहे हैं? मैंने इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया, द्विपद प्रसार लगा दिया। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेंगे क्या? डेल्टा जेड। लिमिट तो लिखी नहीं हम, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, वन अपॉन में डेल्टा जेड। ध्यान दो, एन सी वन को हम एन ही लिखते हैं। एक काम करते हैं ना, डेल्टा जेड को अंदर ले जाते हैं, डेल्टा जेड को अंदर ले जाने के बाद एन जेड की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू जेड की पावर एन माइनस टू डेल्टा जेड प्लस और जैसे ही हम लिमिट को रखेंगे, किसको रखेंगे? लिमिट को जैसे हम रखेंगे, और लिमिट को रखते ही तुरंत क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा जेड जीरो, और आगे की जितनी भी टर्म्स हैं सारी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? जीरो। तो रिजल्ट आ जाएगा एफ डैश जेड बराबर एन जेड की पावर एन माइनस। तो ये बच्चों, ये जो फंक्शन हमको दे रखा था जेड की पावर एन, उसका डेरिवेटिव जो आया ये आ गया, ये परिमित भी है वह अद्वितीय भी है। तो यानी कि जो डेरिवेटिव हमारे पास आया, ये डेरिवेटिव जो है फाइनाइट भी है और यूनिकली एग्जिस्ट भी करता है। अब फाइनाइट भी है, यूनिकली एग्जिस्ट भी करता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो फंक्शन है ये कैसा है? डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, अब ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल तो होगा, क्योंकि फंक्शन जेड की पावर एन को तो हम पहले से भी जानते थे कि नहीं जानते थे? लेकिन अब सीखो कि अगर यही एग्जाम्पल फर्स्ट, ये तो था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, टोटल तीन एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है बुक का, उसमें फंक्शन दिया है जेड की पावर, ये फंक्शन दिया। अब पूछा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो ध्यान दो। नाउ अगेन वही वाली बात कि एफ डैश जेड, वही फॉर्मूला है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड। तो यानी कि वही फॉर्मूले को हम काम में ले रहे हैं वापस से, अगेन काम में लिख वही फॉर्मूला यूज होगा, और इसकी वैल्यू हम अगेन रख देते हैं। देखो क्या वैल्यू रखेंगे, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अपॉन में डेल्टा जेड, यस फंक्शन ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड। तो इस फंक्शन के अंदर जेड की जगह क्या रखेंगे? जेड प्लस डेल्टा जेड, तो बार माइनस जेड बार। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी पता होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी कल ही मैंने लिखाई है बच्चों, अगर याद हो तो। इस पे भी बार लगता है, ये जो बार होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये जो बार लगता है ये डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है मतलब इसके पास भी जाएगा, सेकंड वाले के पास भी जाएगा। अब दिक्कत ये आई, ये दोनों कैंसिल हो गए, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। अब हम लिमिट डायरेक्ट नहीं रख सकते क्योंकि जीरो अपॉन जीरो रूप। बच्चों लिमिट को हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, और लिमिट को हम डायरेक्ट नहीं रख सकते क्योंकि जीरो अपॉन जीरो रूप, देखो जीरो अपॉन जीरो रूप बन रहा है, ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो फिर अब क्या करो, देखो इधर, अब हम करेंगे जब, अब ध्यान दो कि यार लिमिट को हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, तो हम फिर कैसे पता लगाएंगे कि यार ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है? अब उसका पता हम कैसे लाते? दो, जब हमको कोई बात नहीं आती तो हम किससे पूछते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं। अब यहाँ गणित में किससे पूछेंगे? हम पूछेंगे एक्स एक्सिस से, हम पूछेंगे वाई एक्सिस से। तो वही काम हम लिखेंगे, अलोंग टू द एक्स एक्सिस। आपको पता है अलोंग टू द एक्स एक्सिस डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी होती है? डेल्टा एक्स, और डेल्टा जेड बार की वैल्यू कितनी होती है? डेल्टा एक्स। ये वैल्यू मैंने कल ही आपको बताई थी ना, अलोंग टू द एक्स एक्सिस और अलोंग टू द वाई एक्सिस,
कल के लेक्चर में सबसे लास्ट में जाते जाते यही वाली मैंने बात बताई आपको, तब एफ डैश जेड लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर भी डेल्टा एक्स नीचे भी डेल्टा, रिजल्ट कितना आ गया, वन आ गया। लेकिन बच्चों अगर बात करें अलोंग टू द वाई एक्सिस, तो एफ डैश जेड यस लिमिट डेल्टा, यस पहले लिख देते हैं अपन कि अलोंग टू द जो वाई एक्सिस होता है डेल्टा जेड की वैल्यू होती है आयोटा डेल्टा वाई, और डेल्टा जेड बार की वैल्यू होती है माइनस आयोटा डेल्टा वाई। तब ऐसी स्थिति में एफ डैश जेड की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन, क्योंकि रखोगे ना आप यहाँ और यहाँ, यहाँ आयोटा डेल्टा वाई या माइनस आयोटा डेल्टा वाई और आयोटा डेल्टा वाई कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस का वन। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऊपर आया वन नीचे आया माइनस वन, क्या फंक्शन का डेरिवेटिव अद्वितीय है, क्या यूनिक है, क्या नहीं है? कि डेरिवेटिव यूनिक नहीं है, तो जब डेरिवेटिव यूनिक नहीं है अद्वितीय ही नहीं है। देखो ये अलग ये अलग, एक्स अक्ष ने अलग डेरिवेटिव बताया, वाई अक्ष ने अलग डेरिवेटिव बताया, अब दोनों के डेरिवेटिव अलग। अब यार किसी भी फंक्शन के दो दो डेरिवेटिव नहीं होते, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिक होता है, दो दो नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। तो परंतु यहाँ तो अलग आए, तो हम लिखेंगे कि जो डेरिवेटिव है यूनिकली डज नॉट एग्जिस्ट, तो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, कि दिया गया फलन जो है अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो किसी बच्चे को, सबसे पहले मैंने डिफरेंशियबिलिटी बताई, किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो मैंने फॉर्मूला लिखाया, ओरिजिन पर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखाया, फिर मैंने आपको दो एग्जाम्पल कराए। पहला एग्जाम्पल फंक्शन था एफ जेड बराबर जेड की पावर है, वो डिफरेंशियबल फंक्शन था। लेकिन ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया इसमें बड़ी दिक्कत आ गई, और यहाँ लिमिट भी नहीं रख पाए, तो हमने एक अलोंग टू द एक्स एक्सिस और अलोंग टू द वाई एक्सिस हमने पता किया